हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल रिलेशन टिप्स इन हिंदी। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपका पार्टनर इग्नोर करता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसको देखना लास्ट तक, क्योंकि ये होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। पूरा होने के बाद आप समझ जाओगे आपको आपका पार्टनर क्यों इग्नोर करता है, और ये ट्रिक्स जानने के बाद आप खुद में ऐसे चेंजेस ला पाओगे जिससे आपका पार्टनर कभी आपको इग्नोर ना करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्टनर आपको इग्नोर तभी करता है जब आप हद से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहते हो। अगर आप हद से ज़्यादा किसी के लिए भी अवेलेबल रहोगे तो जाहिर सी बात है वो इरिटेट होगा, इसीलिए ही वो इग्नोर करता है। ठीक है, वो हद से ज़्यादा अवेलेबल आप किसे कहते हैं? मान लीजिए वो फ़ोन करता है, आप सारे काम छोड़ के तुरंत जाके फ़ोन पकड़ लेते हो। ठीक है, मैसेज करता है, सब काम छोड़ के आप तुरंत रिप्लाई करते हो। इसको बोलता है हद से ज़्यादा अवेलेबल, मतलब उसको आप बिल्कुल भी मिस करने का मौका नहीं देते हो। वो कुछ करे उससे पहले ही आप जाके उसके सामने हाजिर हो जाते हो। वो मिलना चाहता है तो आप चले जाते हो तुरंत, अपने सारे असुविधाओं को ना देखते हुए। तो अगर आप ऐसा करोगे अपने पार्टनर के लिए, वो जो भी कहेगा आप अगर मान लोगे तो धीरे धीरे ना उसका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको आपका हाजिरी जो है ना वो इरिटेटिंग लगेगा। इससे क्या होगा, वो इग्नोर करेगा। जैसे आप फ़ोन करोगे तो वो नहीं पकड़ेगा, या फिर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, वो ऑनलाइन है फिर भी आपका रिप्लाई नहीं दे रहा है, इस टाइप से ना इग्नोर करता है। फिर बाद में बोलेगा कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं थी, ये थी वो थी, तो इस टाइप से ना इग्नोर होता है। तो आपको करना ये है, हद से ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। ठीक है, अब नहीं, जब आप रिलेशन शुरू करते हो ना तभी से ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, किसी के लिए भी हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए मैसेज आता भी है, आप देखते भी हो, तो भी थोड़ा रुक के थोड़ी देर बाद रिप्लाई कीजिए, उसको भी लगना चाहिए। अब जब वो मैसेज भेजता है और जब तक आप रिप्लाई नहीं देते हो, वो उसी मैसेज के बारे में और आपके बारे में सोचता है। ठीक है, सोचती है या फिर सोचता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप खुद सोचो, आप किसी को मैसेज करते हो, अब जब तक वो रिप्लाई ना दे तो आपके दिमाग में वही घूमता है ना कि वो मैसेज देख के पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगी, ऐसे। तो सबके दिमाग में ऐसे ही होता है। तो अगर आप तुरंत रिप्लाई देते हो तो उसको कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ईजिली अवेलेबल ना होइएगा। ये तो है रिलेशन शुरू के टिप्स। और अगर आपको अभी आपके पार्टनर्स इग्नोर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? देखो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, या फिर मैसेज नहीं रिप्लाई दे रहा है, या फिर मिलना नहीं चाह रहे है, ये चाह रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, बिल्कुल ना एक हफ्ते के लिए गायब हो जाओ। गायब मतलब क्या, बिल्कुल भी मैसेज मत करो, फ़ोन मत करो, मिलने भी मत बोलो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक हफ्ते के लिए। तो उसको ना पता है कि आप ये ऐसे मैसेज करते हो, ऐसे फ़ोन करते हो, अचानक वो जब देखेंगे कि आप तो पूरा का पूरा उससे पूरा कनेक्शन बंद कर दिए हो, तब उसके दिमाग में ये आएगा क्या हो गया, ये बंदा या बंदी किसी और के मतलब और के साथ इसका सेटिंग तो नहीं बन गया, या फिर क्या हो गया, मुझे तो अभी मैसेज नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं कर रहा, अभी तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, ऐसे मैं इग्नोर कर रही थी फिर भी मेरे पीछे आ रहा था, अब क्या हो गया, एक हफ्ता के लिए पूरा है का पूरा ही वो पूरा अनटच हो गया, पूरा गायब हो गया, क्या हो गया, ये उसको सोचने पे मजबूर कर देगी। ठीक है, और ये जो ट्रिक्स है ना, इससे वो खुद चल के आपको फ़ोन करेगी या मैसेज करेगी। अब आपको क्या करना है, उसके फ़ोन देखते ही आप बिल्कुल खुश हो गया और तुरंत रिप्लाई कर दे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम एक हफ्ता उस आपको खुद तो फ़ोन नहीं ही करना है, अगर उसका फ़ोन व मैसेज आए, फ़ोन या मैसेज आए तो भी आपको रिप्लाई नहीं देनी है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा तड़पाओ, एक हफ्ते बाद फिर आप खुद फ़ोन कर सकते हो, या फिर वो कर, तब देखना उसका पूरा जो बिहेवियर आपके प्रति पूरा का पूरा चेंज हो चुका होगा। वो पूछेगी कि क्या हो गया था 7 दिन, बता के तो जाया करो क्या हो गया, कुछ कुछ। ठीक है, तब आप बोलना कि नहीं आपका पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, इसलिए अब ऐसे करके आप बात आगे फिर बढ़ा सकते हो। लेकिन आप ज़रूर देखना कि ऐसा करने के बाद वो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और अगर आप इस टाइप का हरकत नहीं करते हो कि तुरंत इजीली अवेलेबल होना, ऑलवेज अवेलेबल होना, ऐसा अगर नहीं करते हो तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना और अपनी लव लाइफ में इसको अप्लाई करके ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना,
लेना ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।